हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम गोस्वामी और आप सभी देख रहे हैं बिहार स्टेट टेस्ट बुक यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का विषय पीयूषम द्वितीय भाग पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 12 हम लोग कर्ण से दान वीरता, यानी कर्ण की दान वीरता, उसकी दान देना और उसकी वीरता यानी महानता के बारे में पढ़ेंगे। तो अयम पाठ भास सरस चितस्य कर्ण भार नाम कश्य रूप कश्य भार्ग विशेष अस्य रूप कश्य कथान कम महाभारतात गृहित महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षात युद्धम करोति कर्ण से शरीरेण संबद्ध कवचम कवचम कुंडले च तस्य रक्षके स्तः यावत् कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके स्तः यावत् कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीर वर्तते तावत् न कोऽपि कर्णम हन्तुं प्रभवति। अतएव अर्जुन से सहायतार्थम इन्दः छलपूर्वकम् कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णाति कर्णः समुदम् अंगभूतम् कवचम कुंडले च ददाति। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते तेजसु कर्णभारम् अतिसरणम् अभिनयम् च वर्तते। मतलब यह पाठ भास रचित, किसने रचा? तो भास रचित कर्णभार नामक नाटक का विशेष है, यानी कर्णभार नामक एक नाटक है, उसको भास ने रचा है। ठीक है, ये उसी का महत्व है, उसी के बारे में बताया गया है, उसी का अंग है। ठीक है, ये पाठ भास रचित कर्णभार नामक नाटक का भाग विशेष है। इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है, यानी इस नाटक को किससे लिया गया? तो महाभारत से, है ना। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं, यानी उनके साइड से लड़ते हैं। तो कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वे रक्षित था, यानी कर्ण जो थे वो, आप जानते हो कर्ण के बारे में, तो है ना, तो उनके पास जो कवच है, उनके पास जो कुंडल है, जब तक उनके पास है तब तक उनको कोई भी नहीं हरा सकता है। ठीक है, जब तक, वही लिखा हुआ है कि कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वे रक्षित था, यानी कि वो हमेशा सुरक्षित रहता था जब तक उसके पास कवच और कुंडल था। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता है। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल लेता है। यानी इस बताया गया इस कहानी में कि किस तरह से जो इंद्र भगवान है वो छल करते हैं, ब्राह्मण का वेश बनाते हैं, है ना, और फिर जाके कर्ण से वो कुंडल लेते हैं, कवच और कुंडल, ताकि अर्जुन जीत सके, है ना, और कर्ण हार सके। देखो यही नीति है, तो ऐसा होना ही था, तो इसी में हम कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा होना ही था। तो देखो अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र क्या करते हैं, इंद्र भगवान वो जाते हैं छल पूर्वक कर्ण से छलते हैं और कवच और कुंडल ले लेते हैं। तो कर्ण खुशी पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल देता है, वो दे देता है खुशी खुशी। देखो हम लोग कुछ भी कीमती चीज होती है ना, नया नया पेन लाए लिखने के लिए, वो पेन तक हम किसी को नहीं देते हैं छूने के लिए। देखो इनके पास कितने महान है कि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने कवच और कुंडल, है ना, कुंडल और कवच दे दिया तो वो, मतलब समझ रहे हो ना कितना कीमती चीज है, जब तक वो आपके पास है तब तक आप वीर हो, आपको कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन अगर आपने उसे दे दिया तो आप हार जाओगे, आप मर सकते हो। सोचो कितनी कीमती चीज उन्होंने हंसते हंसते उनको दे दिया दान में, तो इसलिए सोचो कितने महान है ये, है ना। कर्ण खुशी पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल देता है। भास के 13 नाटक मिले हैं, उनमें कर्ण भारम अति सरल अभिनय यानी नाटक है। तत् प्रवशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण रूप में इंद्र। अब नाटक का भाग शुरू किया, अब इंद्र भगवान आते हैं और फिर वो बादलों से कहते हैं हो मेघा सूर्य नेव निर्वर्ते गच्छन्तु भवन्तः कर्ण भूपगम्य भू कर्ण महत्तराम भिक्षाम याचे। यानी कहते हैं अरे मेघो सूर्य से जाकर कहो आप जाएं, है ना, यानी वो ढक लेते हैं सूरज को। कर्ण के समीप जाकर ओ कर्ण बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ। कर्ण के पास जाते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके, और कर्ण से कहते हैं बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ तुमसे। कर्ण कहते हैं दृढ़म प्रतोऽस्मि भवन कर्णो भवन्तु महमेश नमस्करोपि। भगवान मैं खूब प्रसन्न हूँ, यह कर्ण आपको प्रणाम करता है। यानी भगवान मैं आपसे मिलके बहुत खुश हुआ, आपको जो लेना है ले लो, मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ, और ये जो कर्ण है वो आपको प्रणाम करता है, है ना। शक्र आत्मगतम किम नु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायुर्भवेति वक्षे दीर्घायुर्भविष्यति यदि न वक्षे मूढ इति माँ परिभवती तस्मा दुभ्यम परिहृत्यम किम नु खलुम वक्ष्यामी भवतु दृष्टम प्रकाशम भो कर्ण सूर्य इव हिमवान इव सागर
इव तिष्ठतु ते यश, यानी इंद्र मन में, क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए, यानी वो उसको प्रणाम करता है। तो बदले हम लोग बोलते हैं ना, मतलब हमसे कोई छोटा होता है या हम ही किन्हीं के पांव छूते हैं तो वो बड़े हमको बोलते हैं खुश रहो बाबू, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो ब्राह्मण के इन्होंने ब्राह्मण को इन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया, तो अब ब्राह्मण का भी फर्ज बनता है कि वो कहेगा हाँ खुश रहो या फिर दीर्घायु रहो, है ना, दीर्घायु समझ लो ना, लंबे समय तक जियो, विजय भव, विजय हो जाओ, तो इस तरह का बोलना। तो वही इंद्र भगवान अपने मन में सोचते हैं क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए, क्या मैं इसको बोलूं, यदि दीर्घायु हो बोलता हूं, अगर मैंने इसे बोल दिया कि दीर्घायु हो यानी तुम्हारी उम्र जो वो ज्यादा हो जाए, अगर ऐसा बोल देंगे तो कवच कुंडल नहीं ले पाएंगे, अगर कवच कुंडल ले लेंगे तो जो कर्ण है वो तो मारा जाएगा, है ना, इसलिए वो इस तरह का सोचते हैं कि दीर्घायु हूँ बोलता हूँ तो दीर्घायु हो जाएगा, यदि ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मुझको मूर्ख समझेगा, यानी समझेगा कि अगर मैंने ऐसा नहीं बोला तो वो समझेगा कि ये तो ब्राह्मण मतलब उतने है ही नहीं, इसलिए दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोलूं आप प्रसन्न हो, यानी वो कहते हैं कि ऐसा बोलता हूं, चलो कि आप प्रसन्न हो यानी आप बहुत खुश रहो। तो वो बोलते हैं, फिर बोलते हैं कर्ण, वो इतना तो मन में सोचते थे, अब वो बोलते हैं खुलकर, ओ कर्ण, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह आपका यश कायम रहे, यानी आपकी जो कीर्ति है, आप कितने महान हो ये पूरी दुनिया को पता चल जाए, जिस तरह से सूर्य चंद्रमा और सागर के बारे में पूरा दुनिया जानता है, उसी तरह से आपको सब जगह आपका मतलब सब लोग आपको जाने, सब लोग आपको महान जाने, और वास्तव में ऐसा हो भी रहा है ना, क्योंकि देखो कितना महान है कि कुंडल और कवच दे दिया, तो इतना तो महान आदमी ही कर सकता है कोई, है ना। तो फिर बस यही था इसमें। आगे कर्ण भगवान, किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति अथवा गतेव शोभनम कृत कुतः धर्मो ही यत्ने पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्व अचपला निरपेक्ष्य तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धर्यन्ते भगवान किमिच्छसि किमहं ददामि, यानी भगवान क्या दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब भगवान मैंने आपको प्रणाम किया तो आपने मुझे दीर्घायु हो ऐसा वर नहीं दिया, अथवा यही ठीक है, क्या ये आपने जो किया ये ठीक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा कहा भी गया कि मनुष्य के द्वारा यतन से धर्म अर्जित होता है, यानी प्रयास करेगा तो पैसा आएगा वरना नहीं आएगा, राजा का धन सांप की जीभ की तरह चंचल है, ठीक है, यानी वो टिकता नहीं है, वो प्रजापालन के लिए ही है। अब बताइए कि मैं क्या दूं, शत्रु बोलते हैं महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। कर्ण कहते हैं महतराम भिक्षाम भवते प्रदाश्य सारंगार रम गोसहस्त्रम ददामी, कहते हैं कि बड़ी भिक्षा आपको देता हूं, चलिए अलंकृत 1000 गायें देता हूं, यानी बहुत अच्छी बहुत सुंदर कह सकते हो, यानी जो शुभ हो, जिनका गाय का गायों का दूध बहुत ज्यादा हो, वैसी गाय अच्छी गाय देता हूं आपको, 1000 गाय देता हूं। तो शक्र इंद्र भगवान कहते हैं गोस जो कि ब्राह्मण भेष में भी गोसहस्रमिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी निच्छामी कर्ण निच्छामी, कहते हैं 1000 गाय मुहूर्त भर दूध पीऊंगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ, क्या करूंगा मैं गाय का। कर्ण किम निच्छति भवानी इदमपि श्रूयताम बहुसहस्त्रम वाजिनाम ते ददामी, कहते हैं आप क्या चाहते हैं यह भी आप सुने, अनेकों 1000 घोड़े देता हूँ, चलिए आपको मैं अनेकों 1000 घोड़े देता हूँ। तो शत्र कहते हैं इंद्र भगवान कहते हैं अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहामी निच्छामी कर्ण निच्छामी, कहते हैं कि घोड़ा का मैं क्या करूंगा, है ना, क्षण भर के लिए चढ़ूंगा, कर्ण इसकी इच्छा मुझे नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं। तो कर्ण भगवान कर्ण कहते हैं किम निच्छति भवान अन्यदपि श्वेताम अप्राप्तम कनकम ददामी, भगवान आप क्या चाहते हैं अन्य भी सुनिए, हाथियों का अनेक समूह भी आपको देता हूं, चलिए आपको हाथियों का समूह भी दे देता हूं। तो फिर भी इंद्र भगवान कहते हैं गजमिति मूर्तकम आरोहामी निच्छामी कर्ण निच्छामी, कहते हैं राजन क्षण भर के लिए चढ़ूंगा, मेरी इच्छा नहीं है, हे कर्ण मैं नहीं चाहता हूं। कर्ण कहते हैं कि निच्छति भवान अन्यदपि श्वेताम अपर्याप्तम कनकम ददामी, कहते हैं क्या चाहते हैं आप, दूसरा भी सुन लीजिए, अधिकाधिक सोना देता हूं, यानी बहुत अधिक आपको मैं सोना देता हूं। तो शक्र कहते हैं फिर इंद्र भगवान कहते हैं गृत्वा गच्छामि किंचित गत्वा निच्छामि कर्ण निच्छामि, यानी कहते हैं कि अच्छा मैं घर को जाता हूँ, ठीक है, लेकर नहीं घर को, घर को जाता हूँ, क्या बोलते हैं इंद्र भगवान, घर को जाता हूँ थोड़ा बढ़कर, है ना, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। तो फिर कर्ण बोलते हैं कि तेन ही जितवा पृथ्वी ददामी, तो जीत कर पृथ्वी दे देता हूँ, ऐसा करेंगे कि मैं ये पूरी पृथ्वी जीतूंगा और आपको दे दूंगा। तो शक्र कहते हैं पृथ्व्याम किम करिष्यामि, मतलब कहते हैं कि मैं पृथ्वी का क्या करूंगा, क्या कहते हैं कि मैं पृथ्वी का क्या करूंगा। तो कर्ण कहते हैं तेन हयगिन स्टो मफलम ददामी,
उससे यज्ञ की फल देने वाला कार्य कीजिएगा, यानी हवन कीजिएगा, है ना, यज्ञ कीजिएगा। तो शक्र कहते हैं अग्निष्ठोम फलेन किम कार्यम, यानी कहते हैं अग्नि का फल या फिर जो हवन की बात कर रहे हो उससे मैं क्या करूंगा, उससे मैं क्या करूंगा। कर्ण तेन ही मच्छिरो ददामि, तो फिर वो कर्ण भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, तो अपना गर्दन ही काट के आपको दे देता हूँ, तो अपना सिर दे देता हूँ, है ना, सिर दे देता हूँ अपना। तो शक्र कहते हैं अभिहा अभिहा, मतलब अलविदा अलविदा, फिर नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ, है ना। इस तरह से ब्राह्मण जो है अगर उनको बोलेंगे तो कोई भी चले ही जाएंगे, हैं चॉकलेट लोगे नहीं, टॉफी लोगे नहीं, लो सिर काट के दे देता हूँ, तो इसी तरह से, तो मतलब है ना। तो फिर वो चले जा रहे थे तो लेकिन फिर भी इंद्र भगवान उनको रोक लेते हैं, और इंद्र भगवान जा रहे थे तो फिर भी कर्ण जो होते हैं उनको रोक लेते हैं, और फिर उसके आगे जो बातचीत होती है लिखा है कर्ण न भेदवयम प्रसीदतु भगवान अन्यदपि श्रूयताम अंगे सदैव मम देह रक्षा देवासुर रपि न भेद भेद्यमितम मिदम सहस्त्रे देयम तथापि क्वचम सह कुंडलाभ्याम प्रत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात मत डरे मत डरे। यानी जब ब्राह्मण रूपी इंद्र चले जाते हैं, है ना, तो उनको वो रोकते हैं कर्ण और कहते हैं कि मत डरे, मुझसे डरे नहीं, रुक जाइए, आप प्रसन्न हो गए, अन्य भी सुनिए, देह रक्षा के लिए मेरे अंग के साथ स्थित कवच के साथ कुंडल को भी आप जानते हैं, यानी आप जानते हैं कि मेरे पास एक ऐसा कवच है, ऐसा कुंडल है जिससे जो मेरी देह की रक्षा करता है, मेरे शरीर की, जिससे मैं मरता नहीं, जो हजारों देवता और दानवों के द्वारा भी अभेद है, यानी हजारों देवता भी आके क्यों नहीं मुझसे लड़ लेंगे, या हजारों राक्षस भी आके मुझसे लड़ेंगे तब भी वो मुझे मार नहीं पाएंगे, हरा नहीं पाएंगे। इसके बाद भी दोनों को देता हूँ, इतना आप जानते हैं, लीजिए, आप चाहते हैं तो मैं इन दोनों को भी दे सकता हूँ, ये मेरे लिए इतना कीमती है ना कि अपनी जान से ज्यादा बढ़ के क्या हो सकता है, फिर भी मैं आपको ये दे देता हूँ, आप चाहते हैं तो मैं आपको ये दे सकता हूँ। इसके बाद भी दोनों को देता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो गए। इंद्र कहते हैं कि सहर्षम ददातु ददातु, यानी खुशी पूर्वक दीजिए दीजिए। इंद्र भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण रूप में आते हैं, दे दो, मतलब उनका तो मन ही था लेने का, है ना, वो तो इसीलिए आए ही थे। तो कर्ण कहते हैं आत्मगतम, यानी मन में एवाशय कामः किम नु खल्व नेक कपट बुद्धे कृष्णस्योपाय सोऽपि भवतु दिग्गयुक्त मनुसोचितम नास्ति शयः संशयः प्रकाशं गृह्यताम। यानी कर्ण जो होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं यही इसकी कामना है, यानी यही सोच कर ये आया था, यही इसको चाहिए, लेकिन इसने मुझसे डायरेक्ट नहीं मांगा, है ना, देखो डायरेक्ट नहीं कहा कि मेरे को आपका कर्ण और कुंडल चाहिए, है ना, पाप लग जाता, वो उन्होंने उन्हीं से बुलवा लिया और फिर वो ले लिया, यही इसकी कामना है। क्या यह अनेक कपट बुद्धि अर्जित करने का प्राय कृष्ण का, यानी इस तरह की जो कपट बुद्धि छल से इन्होंने मेरा कवच और कुंडल ले लिया, लगता है इसमें भी कृष्ण भगवान का ही हाथ है ना, क्योंकि कृष्ण भगवान ही कुछ ऐसा करते हैं अपनी लीला में, है ना, तो उनको लगा कि ये कृष्ण का इसे भी जरूर हाथ होगा, वह भी हो सकता है, यानी बोलते हैं वह भी हो, अधिक सोचना बेकार है, हो सकता है कि शायद कृष्ण भगवान की ये चाल हो, मगर अब सोच के भी क्या फायदा, अब तो सब बेकार है, है ना, देखो अब बेकार है कैसे, कि उन्होंने अपनी जुबान दे दी कि ठीक है मैं ये दे दूंगा, तो अब वो अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते हैं, ठीक है। पहले जो होता था, पहले जो लोग रहते थे वो मतलब इसी तरह से थे कि मतलब ये सब ठीक है, इस समय का जो बात कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि जो ये लोग कह देते थे वो करके दिखाते थे, ठीक है, और ऐसा नहीं कि कह दिए तो अब नहीं, ऐसे ना आपसे आता है कोई कुछ लेने के लिए, पेन से नया पेन है तो वो देने के लिए तो आप कहते हैं ले लो, अब फिर जब वो लेने लगता है तो कहते हैं नहीं 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 मैं तो ऐसे कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं नहीं दूंगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो बोल दिया सो बोल दिया, है ना, और वो देना भी पड़ता था अगर किसी तरह की, जैसे कि राम भगवान में देख लो, राम भगवान को जो वनवास मिला था तो उन्होंने दशरथ ने अपनी वाइफ को वचन दे दिया था, है ना, कि तुम जो मांगोगी मैं वो तुमको दूंगा, तो वो वनवास मांग लेते हैं राम भगवान का, तो फिर दशरथ को उन्हें वनवास में भेजना पड़ता है इसीलिए, ठीक है, तो ये सब था उस समय की बात है ये, तो अब तो ऐसा नहीं है, है ना, कुछ बोलोगे भी दे देंगे, वादा भी कर देंगे, लेकिन झूठा वादा, और फिर ये बोलते हैं वादा तो तोड़ने के लिए किए जाते हैं, है ना, तो ऐसे ऐसे हैं आजकल तो। देखो फिर कहता है कि अधिक सोचना बेकार है, इसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए, खुलकर बोलता है ग्रहण कीजिए, यानी फिर वो क्या कहते हैं कि इसमें सोच के भी मैं क्या करूंगा, इसमें अब कोई शंका नहीं है, अब वो कुंडल और कवच निकालने लगता है, ठीक है, और उनको देने लगता है, कहता है कि ले लीजिए। तो शल्य वहां पे एक और होते हैं, कौन होते हैं, तो शल्य होते हैं, वो बोलते हैं कर्ण को बोलते हैं अंगराज
न दातव्यम न दातव्यम, यानी अंगराज ना करते हैं। शल्ले जो होते हैं वो अंगराज को मना करते हैं कि नहीं देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, अगर इसको दे दोगे तो हम लोग सब युद्ध में मारे जाएंगे, क्योंकि ये जब तक तुम्हारे पास है तब तक तुमको कोई हरा नहीं सकता, और तुमको कोई हरा नहीं सकता तो मतलब हम लोगों को कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। तो कर्ण बोलते हैं शल्यराज अलमलम वार्युतम पश्य, यानी कहते हैं शल्यराज मना करना बेकार है, बेकार है, देखिए। शिक्षा भयम सॉरी शिक्षा क्षयम गच्छति काल काल प्रियात सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा जलम जलस्य स्थान गृतम गतम च शिष्यति हुतम च दतम च तथैव तिष्ठति तस्मात् गृह्यताम निक्रिय ददाति। यानी कहते हैं शल्यराज मना करना बेकार है, बेकार है, देखिए समय के परिवर्तन से शिक्षा क्षय हो रहा है, यानी आप देख रहे हैं जिस तरह से क्षय मतलब होता है कमी, ठीक है, कमी हो रही है शिक्षा की, इस समय की बात है, यानी उस समय जो समय था कि किस तरह से, अब ऐसे थोड़ी ना कोई अपने मुंह से बोल देगा कि जाओ मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, है ना, ऐसे तो नहीं, तो लेकिन उन्होंने बोला, उनके लिए जो सब कुछ था ना कुंडल था और कवच था, तो उन्होंने न जाने वो चाहते तो नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता है ना, लेकिन गलती से उनके मुंह से निकल गई ये बात, है ना, तब निकल गई तो अब उनको देना तो पड़ेगा। तो वही कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा क्षय हो रहा है, यानी हम ये जिस तरह से समय बदल रहा है उस तरह से मेरी जो है या फिर हमारी जो बुद्धि है वो कमी, कहते हैं ना कि विपरीत समय में हम लोगों की बुद्धि काम नहीं करती है, बस वही है ना, कि आप कितने विद्वान रहोगे लेकिन आपका जब बुरा वक्त आएगा तो आप सही और गलत को समझ नहीं पाओगे और आप गलत काम कर दोगे। तो वही चीज़ के लिए वो कहते हैं कर्ण कि समय के परिवर्तन से शिक्षा क्षय हो रहा है, अच्छे ढंग से जड़ जमे पेड़ गिर रहे हैं, है ना, कि जो भी देखो पेड़ सब थे तने तने, आप देख रहे हो कि किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, ये समझो ईश्वर की लीला है, मतलब है ही वैसे तो ठीक ही, है ना, कि अब देखो ये समय ही वैसा आ गया है कि जो जड़ जमे पेड़ थे वो भी गिर रहे हैं, जलाशय नदी तालाब आदि से जल सूख रहे हैं, आपने देखा होगा कि अभी जो वक्त हो रहा है यानी इस समय जल और जलाशय सब सूख रहे हैं, दिया दान और दी गई आहुति हवन सदैव स्थिर रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर स्थिर रहते हैं तो स्थिर पर स्थिर दिया गया दान जो आप किसी को दान देते हो या दी हुई आहुति, आहुति यानी हवन जो होता था, है ना, तो वो स्थिर रहते हैं, उससे जो पुण्य मिलता है वो स्थिर रहता है, इसलिए ग्रहण कीजिए, इसलिए वो दान दे देता है ना, ये तो स्थिर ही रहेगा हमेशा के लिए, और फिर वो जाना भी तो जाएगा, इसीलिए तो कर्ण को सब जानते हैं कि देखो कितना दान दिया था, मौत की परवाह किए बिना दे दिया, है ना, अपना कवच और कुंडल, तो सदैव स्थिर रहते इसलिए ग्रहण की, वो क्या करते हैं, इसलिए तस्मात गृहताम निकृत्य ददाति, यानी इसलिए ग्रहण कीजिए, निकाल कर वो इंद्र भगवान को वो दे देता है। तो इसका जो भी प्रश्न उत्तर है या अभ्यास है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा बुक का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ किस तरह से डाउनलोड करना है टेलीग्राम ऐप से। चैनल पर नहीं होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्त में व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।